मॉर्निंग फ्रॉम ताबट, पाकिस्तान का आखिरी गांव। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन यहां तक थी, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर घूमने की। सुबह सुबह मैं उठा हूँ, गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है। इसके बाद आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो, हम पहले LOC जाएंगे, जीरो पॉइंट यहाँ पे एंड होता है ये गांव, 7 मिनट दूर है बाइक में यहाँ से। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जाएंगे अरंगखेल की तरफ, और लास्ट व्लॉग होगा हमारा अरंगखेल का। उसके बाद हम वापसी रावलपिंडी की तरफ इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो ये था हमारा सफ़र, जो भी 4-5 एपिसोड आपको हमने दिखा सके वो हमने दिखाए, कोशिश की जितनी खूबसूरती कवर कर सकें एक मोबाइल से, तो हमने करके दिखा दी। हम नाश्ता हमारा रेडी है, नाश्ता करके जो है हम इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से। अब निकलते हैं जीरो पॉइंट की तरफ। ये है जी फिश फार्म, यहाँ पे एक बना हुआ, ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। हम आखिरी पॉइंट तक जाएंगे जहाँ तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं होता। अभी ये बोर्ड आया जिसमें लिखा हुआ ममनू इलाका खबरदार, मतलब ये है कि इसके आगे जो है वो ख़तरा है जाने में। लेकिन एक भाई आ रहे से पूछ रहे इसे आगे जा सकते हैं या नहीं, फिर हम अपना फैसला डिसाइड। इसके बाद जो है हम नहीं जा सकते, इसके बाद ममनू इलाका आ जाता है, तो यहाँ से हम पिक वगैरह निकाल के वापसी चलेंगे इंशाल्लाह अरंगखेल की तरफ। ये है लास्ट पॉइंट, ये बोर्ड आ गया है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, हम अलो नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अभी हमारा लास्ट एपिसोड होगा वो होगा अरंगखेल की तरफ। अब हम अरंगखेल की तरफ निकलेंगे, और इस चैनल को आप लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोना कोना आपको हर चीज़ दिखाएं। हमें तस्वीरें निकालेंगे, हमारे इंस्टाग्राम है काशिफ़सरार360, उसको भी फॉलो लाजमी कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। मैं खुद फूड और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। केल पहुँच गए हैं और यहाँ पे लंच में बिरयानी खा रहे हैं, निकाल के फिर चलते हैं अरंगखेल की तरफ। बाइक ही पार्किंग पे खड़ी कर ली, 100 रुपये चार्ज है नाइट के, और जो है अभी हम जा रहे हैं, ये लिफ्ट है कोई डोली केबल, उस पे हम जो है उस साइड पहुंचेंगे। अरंगखेल पार्क इस तरफ है, इस तरफ केल है, वो वहाँ पे गई हुई है, वहाँ से रस्सी के थ्रू यहाँ आएगी, फिर हम बैठेंगे, फिर हम पार्क उस तरफ। इस लिफ्ट से उतर गए हैं, अभी जा रहे हैं, अभी हाइक है 1 घंटे की, 10-15 मिनट अंकल के हिसाब से, हमारे हिसाब से आधा घंटा। तो यहाँ से अभी यही रास्ता लेके चलेंगे,
प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है अभी भैया। थोड़ा ऊपर चढ़े हैं, हमारी सांस फूल गई है और बस हो गई है, अभी और ऊपर चढ़ना है। ट्रैक थोड़ा स्टीप है बड़ा अरनखेल का, कोई ऐसा नहीं अरनखेल का ट्रैक करना, हमारे सांस फूल गए। मेरे ख्याल से आधे घंटे या एक घंटे की ट्रैक होगी, लेकिन हमारी बस हो गई। तो ये नज़ारे, अभी रेस एरिया 4 पे बैठे हैं, सांस फूल गया है, अभी थोड़ा और ऊपर है तो चलते हैं, कोशिश करते हैं। आपके लिए ऊपर लाजमी जाना पड़ेगा, तो हमारे साथ ही रहिएगा। वहाँ नीचे से आए और ऊपर जाना है यहाँ सीधा। अरनखेल, क्या खूबसूरत गांव है यार, जबरदस्त। क्या खूबसूरत नजारे हैं यार, जबरदस्त। भाई ने कहा है होटल वाले ने कि आगे कोई पार्क है, कोई व्यू पॉइंट है, तो देखते हैं, चलते हैं। अरनखेल आए हैं तो घूम भी लें थोड़ा, फिर यहाँ से निकल के ही सीधा इंशाल्लाह कोशिश ये कि मुजफ्फराबाद पहुँचे, कि हमने तकरीबन अपने एरियाज कवर कर लिए हैं। ग्लेशियर यहाँ अरनखेल में हम, और ये पूरा मैदान हमारा, और ये खूबसूरती कश्मीर की। जो भी अभी तक अरनखेल नहीं आया तो लाजमी आए यार, मैंने जितनी जगह घूमी है सबसे ज़्यादा पसंद मुझे अरनखेल आया है। यहाँ पे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बने हुए, 10 से 15 मिनट की हाइक है। बड़े वजन वाले लोग जहाँ फैमिली ना आए, मैं कहूँगा उनको प्रेफर नहीं है। उसके अलावा जो भी हैं वो यंग लेडी हों, लड़के हों, कोई भी बंदा हो आ सकता है और आराम से जो है ये व्यू एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे कम से कम आप बंदा 2 दिन रहे, एक दिन नहीं, और ग्रुप के साथ आएगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है व्यू, हम अभी मैदान पे आए हैं, वहाँ पे रिश्ता दूर बने हुए हैं, यहाँ ये मैदान है, तो यहाँ पे जो है ना ये व्यू है। कोशिश करें ऑफ सीजन भी आए, क्योंकि होटल्स वगैरह काफ़ी सस्ते हैं। हम 2 बंदे सिर्फ 500 रुपीज में रुके हैं यार, इससे ज़्यादा क्या सस्ता हो।
का सफर हमारा शुरू हो गया है। यहाँ से जो है ये उतरना है, हाइकिंग नीचे करनी है, तो लिफ्ट के जरिए केल वो रहा सामने। केल मैंने तो ऊपर आंटियाँ बूढ़ी औरतें सब देखी हैं, वो चढ़ के आई हैं। अगर आपकी फैमिली चढ़ सके तो फिर इसी रास्ते में उनको आरंग केल की तरफ लेके आए, वरना रिस्क ना लें। तो रेस्ट एरिया बने हुए हैं हर 5 मिनट के बाद, लेकिन फिर भी हमें उतर के वो नीचे जाना है। इसमें डोली आएगी कार, केबल कार, वहाँ से इसका ही वेट है, वो आ जाए तो फिर हम जाएंगे। अगर ये बंदा लिफ्ट ना ले तो तकरीबन 2-3 घंटे की और हाइक हो जाएगी, फिर बंदा जहाँ पे आ सकता है, इससे पहले नहीं आ सकता। तो ये लिफ्ट की वजह से 2-3 घंटे बच जाते हैं। हम बैठ गए हैं और अभी जो है ये हमें केल उतारेगी, तो चलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और ये लिफ्ट चल पड़ी, यहाँ से तो फुल स्पीड से जा रही है। नीचे देखने से बहुत डर लग रहा है। खैर खैरियत से इस लिफ्ट से उतर गए हैं और वहां से आए सीधा यहाँ पे केल पे, अभी जा रहे हैं वापस। कश्मीर ट्रिप अपना कंप्लीट करने के बाद मैं अभी हूँ इस्लामाबाद में।